फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कैनेडियन बनिया। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 31 मार्च और 1 अप्रैल की पीपीआर की बात, कि 1 अप्रैल को किस किस की पीपीआर आई है, किस किस की फाइल प्रोसेस हो रही है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप अपनी पीपीआर का वेट कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड दोस्तों, उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए वीडियोज़ डालते रहता हूँ। अभी मैंने वीडियो डाली थी कि आप क्वारंटीन कैसे बुक कर सकते हैं, 3 डेज क्वारंटीन भी, एंड उसके बाद जो आपको 11 डेज क्वारंटीन करना है वो कैसे कर सकते हैं स्टेप बाई स्टेप। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम है कैनेडियन बनिया। एंड आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देन आई विल गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो दोस्तों, करते हैं आज की पीपीआर की बात करते हैं फर्स्ट की। दोस्तों, फर्स्ट है गॉट माई पीपीआर टूडे फॉर फॉल इनटेक, मीन सेप्टेम्बर इनटेक की इन्हें पीपीआर आई है। 1 फेब को इन्होंने अप्लाई किया था, 5 फेब को इनका बायोमेट्रिक हो गया था, मीन्स आफ्टर 4 डेज इनका बायोमेट्रिक हो गया था। सो बायोमेट्रिक डेट अब ईजिली मिल रही है, स्मूथली हो गया है प्रोसेस। मेडिकल इनका 24 मार्च को हुआ था, BVL इनका 31 मार्च को आया है, एंड PPR इनका 1 आवर के बाद, BVL के 1 आवर के बाद अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। सो उन्हें भी 1 आवर के बाद आ गया है। नेक्स्ट है आमिर सेठ, फाइल लॉन्च इनकी 1 फेब को हुई है, बायो मेडिकल एंड अपडेटेड 5 फेब को, मेडिकल अपडेटेड इनका 24th मार्च को हुआ है, रिव्यू स्टार्टेड इनका नेक्स्ट डे हो गया था 25th मार्च को, BVL 31 मार्च को इन्हें 11:58 पे, एंड PPR 1 अप्रैल को 1:15 पे आ गई थी। नेक्स्ट है विद द ग्रेस ऑफ बाबा दीप सिंह जी, गॉट SGS कैटेगरी फाइल लॉन्च 1 फेब 2021, बायोमेट्रिक इनके 5 फेब को हो गए थे, मेडिकल अपडेट इनका 24th मार्च को, एंड BVL 31 मार्च को 11:30 PM, एंड PPR 1 अप्रैल को इनका 1:20 AM पे इन्हें रिसीव हो गया था। नेक्स्ट है रिसीव्ड PPR टाइमलाइन, मई इनटेक है इनका और नॉर्दर्न कॉलेज है, वीज़ा फील्ड 3 मार्च, एंड बायोमेट्रिक इनके 5 मार्च को डन हुए थे, मेडिकल अपडेट 22nd मार्च को, रिव्यू स्टार्टेड 27th मार्च, कॉरेस्पोंडेंस एंड PPR 31st मार्च को आ गया था इनके पास। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आपकी टाइमलाइन इस टाइमलाइन से किसी भी मैच करती है, सो आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसे अच्छे से देख सकते हैं पॉज करके। सो मैं थोड़ी सी फास्ट चल रहा हूँ, अगर मैं फास्ट नहीं चलूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फाइनली गॉट PPR फाइल लॉन्च 1 फेब, मेडिकल अपडेट एंड रिव्यू 24th मार्च, कॉरेस्पोंडेंस लेटर 31st मार्च लेट नाइट, PPR 1 अप्रैल को, विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव, वीज़ा अप्लाइड ऑन ऑनलाइन ऑफलाइन 27th फेब 2021, SGS कैटेगरी है, मेडिकल 2nd फेब को इनका हो गया था, एंड मेडिकल अपडेट होगा था इनका 25th मार्च को, बायोमेट्रिक अपडेटेड ऑन 3rd मार्च 2021 ऑन द सेम डे, वाओ, कॉरेस्पोंडेंस लेटर BVL इनका 30 मार्च को आ गया था। फाइनली PPR फाइल लॉन्च इनकी 1 फेब को हुई थी, बायोमेट्रिक डन एंड अपडेटेड 5th फेब को, मीन्स अपडेट भी हो गया था एंड बायोमेट्रिक डन भी हो गया था सेम डेट पे, मेडिकल डन इनका 24th दिसंबर 2020 को हुआ था, अपडेटेड एंड रिव्यू स्टार्टेड 22nd मार्च को, और 22nd मार्च के बाद इन्हें आफ्टर 8 डेज 1 अप्रैल को इन्हें PPR कॉरेस्पोंडेंस लेटर मिल गया है। फाइनली गॉट PPR नेम यतीन, BTech CSC 2018 पास्ड आउट, 1.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मीन्स 1.5 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है, फाइल लॉन्च इनकी 1 फेब को हुई थी, मेडिकल अपडेट एंड रिव्यू 24th मार्च, कॉरेस्पोंडेंस लेटर 31st मार्च लेट नाइट, PPR 1 अप्रैल। सो कंग्रेचुलेशंस यतीन, यू गॉट योर PPR, फाइनली गॉट PPR फाइल लॉन्च 1 फेब, मेडिकल अपडेट एंड रिव्यू, मीन्स आपने एक बात नोट की है कि अगर 31st मार्च को और 31st अप्रैल को जिनकी ज़्यादा PPR है उन्होंने फैब में अपनी फाइल लॉन्च की है, 1 फेब 2 फेब इस तरह से, तो आप चेक कर सकते हैं द्वारा, मेडिकल अपडेट एंड रिव्यू 24th मार्च, कॉरेस्पोंडेंस लेटर 31st मार्च लेट नाइट, PPR 1 अप्रैल, विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, आई थिंक दिस इज रिपीटेड, PPR आगे जटो, लॉन्च डेट 29 जनवरी, बायो 4 फेब, मेडिकल अपडेट एंड रिव्यू 22nd मार्च, PPR 31st मार्च, SGS कैटेगरी, फाइल लॉन्च 31st जनवरी, बायोमेट्रिक 4 फेब 2021, सेम डे अपडेटेड, मेडिकल एंड रिव्यू स्टार्टेड 22nd मार्च, एंड कॉरेस्पोंडेंस लेटर 31st मार्च एट 1:36 AM, ए PPR 31st मार्च ऑन द सेम डे 3:20 AM, मींस आफ्टर 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। कॉलेज लैम्पटन कॉलेज है इनका मिसिसागा, सो मैंने इसी के ऊपर वीडियो डाल रखी है कि आप लैम्पटन कॉलेज का क्वारंटीन कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि मिसिसागा ब्रांच ने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो
क्वारंटीन पैकेज है वो कंपलसरी किया हुआ है, सो आपको बुक करना ही होगा। सो 11 डे आप कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसके लिए वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम होटल एंड रिसोर्ट मैनेजमेंट। हाय गाइस, माय मेडिकल इज अपडेटेड, एप्लीकेशन स्टार्टेड एस 304401, फाइल लॉन्च इनकी 9th फेब को हुई है, मेरा बायोमेट्रिक 10th फेब को, बायोमेट्रिक अपडेटेड 12th फेब को, मेडिकल अपडेटेड 29 मार्च को, रिव्यू स्टार्टेड 31st मार्च। नेक्स्ट है जय भगवान, रिसीव माय पीपीआर 1st अप्रैल 2021, फाइल लॉन्च 3rd मार्च, बायोमेट्रिक 9th मार्च, मेडिकल अपडेटेड 23rd मार्च, बीवीएल पीपीआर 1st अप्रैल। फाइनली गोट ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, आइल्स टेस्ट डेट 21 मार्च। इन्होंने आइल्स की डेट से लेकर सारा कुछ बताया, आप क्लियरली पोज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सी पीपीआर है जो मुझे शेयर करनी है आपके साथ। सो दोस्तों थोड़ी सी मैं तेज़ चलूँगा। सो इनकी पीपीआर इन्हें रिसीव हो गई थी 1st अप्रैल को, जैसा कि आप नीचे सबसे देख सकते हैं, फाइल लॉन्च 2nd फेब एंड पीपीआर रिसीव 1 अप्रैल, ये भी आप यहाँ पर रोक सककर देख सकते हैं। हम थोड़ी फास्ट चलेंगे। IELTS 7.0 नॉट लेस देन 6, मेडिकल 26 जनवरी, 3rd मार्च को अप्लाइड है, एंड बायोमेट्रिक 10th मार्च को, एलिजिबिलिटी रिव्यू इनका स्टार्ट होगा 26 मार्च को, और BVL और PPR 1st अप्रैल। वीज़ा अप्लाइड 1 फेब, बायो 9th फेब, मेडिकल एंड रिव्यू स्टार्टेड 24th फेब, PPR 1 अप्रैल। हर हर महादेव, फाइनली वीज़ा फीलिंग 2nd फेब, बायोमेट्रिक 5th फेब, BVL एंड PPR 1st अप्रैल। दीपक चौधरी, कंग्रेचुलेशन दीपक चौधरी, यू गॉट योर PPR रिक्वेस्ट ऑन 1st अप्रैल, BVL इनका 29 मार्च को स्टार्ट हो गया था। फाइनली गॉट माई PPR, थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स हु केप्ट ऑन मोटिवेटिंग मी नॉट टू लूज होप। सो दोस्तों ये आपको थैंक्स बोलना चाह रहे हैं जिन्होंने इन्हें मोटिवेशन किया है। तो यह फाइल डेट इनकी 11 नवंबर है, मेडिकल इनका 19th फेब को हुआ था, PPR इनको 1st अप्रैल को आ गई थी। फाइनली थैंक यू सो मच बाबा जी, गोट माई PPR, मेडिकल डन इनका 25th मई को, एंड बायोमेट्रिक इनके अपडेट भी हो गए थे और डन भी हो गए थे 6 जनवरी को, AIP इन्हें मिला था 21 जनवरी को, रीमेडिकल रिक्वेस्ट 10 मार्च, रीमेडिकल डन 16 मार्च, रीमेडिकल अपडेटेड 25th मार्च, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर 1st अप्रैल 2021, PPR 1st अप्रैल 2021। ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इन्हें 1 अप्रैल को मिली है और इनकी फाइल डेट है 2 फेब को लगाई थी इन्होंने, सबमिशन कंफर्मेशन इन्हें 2 फेब को सेम डेट पे मिल गई थी जब इन्होंने फाइल सबमिट की अपनी। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर इन्हें 3 फेब को मिला और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इन्हें 1 अप्रैल को, 23rd मार्च को इन्होंने फाइल अप्लाई की थी और 23rd मार्च को ही इन्हें अपनी सबमिशन कंफर्मेशन मिल गई थी, 1 अप्रैल को कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड 1 अप्रैल को ही ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट। फेब 9th को इन्होंने अप्लाई किया था, बायो अपडेट इनके 12th फेब को, एंड 29 मार्च को इनकी मेडिकल अपडेट, 30 मार्च रिव्यू स्टार्ट, 1 अप्रैल PPR। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। सो किनुष्क जोग, कंग्रेचुलेशंस, फर्स्टली यू गॉट योर PPR ऑन 1st अप्रैल, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इन्हें 1st अप्रैल को ही मिला है, इनका मेडिकल अपडेट 17th फेब को हुआ था, मीन्स आपका जब मेडिकल अपडेट हो जाता है तो उसके 15 डेज के बाद आपको PPR आ जाती है, कंफर्मेशन मिल जाती है आपको एक तरह से। ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनकी 1 अप्रैल को आई है, इन्होंने फाइल अप्लाई की थी 4th मार्च को, सेम डे पे इन्हें सबमिशन कंफर्मेशन मिली है, बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर इन्हें 5th मार्च को। माय फ्रेंड गॉट PPR जस्ट नाउ, अप्लाई 9th फेब, मेडिकल अपडेट 29 मार्च, रिव्यू स्टार्ट 30 मार्च, PPR 2 डे जस्ट नाउ, वेरी गुड। कन्फर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 फेब, सबमिशन कन्फर्मेशन 3 फेब, बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर 4th फेब, ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट 1। टू सितंबर इनटेक नेम मोहम्मद, अप्लाइड 3rd फेब्रुअरी, बायोमेट्रिक 10th, मेडिकल अपडेटेड 25th, एलिजिबिलिटी रिव्यू इनका स्टार्ट हो गया था सेम डेट पे जब मेडिकल अपडेट हुआ, PPR इनको 1st अप्रैल पे मिल गई है, और कोर्स इनका मास्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। फाइनली गोट माई PPR, 4th फेब एप्लीकेशन डेट है इनकी, 9th फेब को बायो हुई है, 26th फेब को इनका मेडिकल इंटरव्यू स्टार्टेड, PPR इन्हें मिली है 1 अप्रैल को। फाइनली PPR यारो, फाइल लॉन्च 10th फेब, मेडिकल अपडेट 29 मार्च, रिव्यू स्टार्टेड 30 मार्च, BVL एंड PPR 1 अप्रैल, मीन्स इनका मेडिकल अपडेट होने के 2 डेज के बाद ही इन्हें BVL और PPR आ गया था। BVL का टाइम लिखा हुआ है इन्होंने और PPR का टाइम भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर भी दिया हुआ है इन्होंने। वीज़ा अप्लाई 29 जनवरी, मेडिकल अपडेट एंड रिव्यू स्टार्टेड ऑन द सेम डे 25 मार्च, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर 30 मार्च को मिला है, PPR 31st मार्च। फाइल लॉन्च 2 मार्च, बायोमेट्रिक 5 मार्च, BVL 29 मार्च, PPR 31 मार्च। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जाने से पहले। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि PPR इस टाइम भी बहुत आ रही है, सो आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए, आप
यही सोचकर चलिए कि मेरी पीपीआर आने वाली है। सो दोस्तों वो जल्दी आ जाएगी। एंड दोस्तों जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड दोस्तों जल्दी मैं पैकिंग मटेरियल के ऊपर वीडियो डालूंगा। सो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी आपकी पीपीआर आए या आपकी आ चुकी है तो आपका नेक्स्ट स्टेप पैकिंग ही है। सो अगर आप पैकिंग करेंगे सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो को देखने में। सो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।